अलैकुम, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 51 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो डिसीजेज होती हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है। सबसे पहली डिसीज है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हमारे पास बोन की होने वाली डिसीज है, ठीक है। अब इस बोन की डिसीज में होता क्या है? ऐसे डिसीज है जिसके अंदर जो आपकी डेंसिटी है बोन की, यानी कि जो आपकी बोन की एक कसाफत है, उसका जो एक सख्तपन है वो खत्म हो जाता है, वो लूज हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। कैसे कमजोर होता है? वो कमजोर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपने ये बात पढ़ी हुई थी कि आपकी जो बोन है उसकी जो सख्ती है उसकी वजह क्या है? उसकी सख्ती इस वजह से होती है, उसके अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से और फास्फोरस के सॉल्ट की वजह से। जब उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के जो सॉल्ट है वो कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके नतीजे में आपको जो डिसीज होगी, जो बीमारी होगी, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब ये जो डिसीज है ये हो सकती है हमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी। मेल न्यूट्रिशन की वजह से कैसे हो सकती है? अगर हम अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनका इस्तेमाल कम करेंगे, अब जाहिर ही बात है जब हम उन खुराक में उनका इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर उनका जो एक लेवल है वो कम होगा। अब हमारे ब्लड के अंदर लेवल कम होगा तो हड्डियां ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद अब ये जो हमारे पास डिसीज है इसकी एक हमारे पास चौथी वजह ये भी होती है कि ये जो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, बेसिकली हमारे पास जो एक सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है जिनको, उनको हमारे पास जिनको मेल सेक्स हार्मोन्स या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। फिर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। जो जिसको अगली चीज जो इसको इफेक्ट करती है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे पास कम प्रोड्यूस हो रहा हो तब भी हमें हड्डियों की बीमारी हो सकती है जिसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस है। उसमें उसके बाद जो हमारे पास अगली डिसीज है वो है आर्थराइट्स। आर्थराइट्स के अंदर क्या चीज होती है? आर्थराइट्स बेसिकली हमारे पास एक डिसीज है जो जॉइंट्स में होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स यानी कि जॉइंट्स का सूज जाना, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज है हम इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द उठती है, उसके बाद आपके जो जॉइंट्स है वो ज्यादातर सूज जाते हैं, आर्थराइट्स के अंदर ये चीज होती है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? आर्थराइट्स के अंदर बेसिकली आप पेन किलर का यूज करते हो, यानी कि दर्द भगाने वाली जो दवाइयां होती हैं, अद्वियात होती है, आप उनका यूज करते हो, या फिर एंटी इंफ्लेमेशन मेडिसिन, यानी कि जो आपकी ऐसी मेडिसिन जो आपकी सूजन है उसको कम करे, वो आप ज्यादातर यूज करते हो इस डिसीज के अंदर जिसका नाम है आर्थराइट्स। उसके बाद हमारे पास इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहली कौन सी है? ऑस्टियोआर्थराइट्स। ऑस्टियोआर्थराइट्स के अंदर क्या होता है? ये हमारे पास डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है कार्टिलेज की, यानी कि हमारे जॉइंट्स के दरमियान हमने पढ़ा हुआ है कि कार्टिलेज मौजूद होता है। अब जॉइंट्स काम करते करते वो कार्टिलेज एक वक्त आता है कि खत्म हो जाती है। अब जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं यानी कि उनकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, वो मजीद नहीं बनता, और जो पहले वाला कार्टिलेज पड़ा हुआ था वो रगर खा खा के खत्म हो गया। अब ऐसी सूरत में उनके दरमियान जो जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन प्रोडक्ट, वो भी खत्म हो जाती है, और इस हालत में आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो टोटली इमूवेबल हो जाते हैं, यानी कि वो मजीद हरकत नहीं कर पाते। अगर आप उनको हरकत करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो इसकी अगली है टाइप वो है रूमेटॉइड आर्थराइट्स। रूमेटॉइड आर्थराइट्स के अंदर क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है हमारी मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, हमारे जॉइंट्स के दरमियान जो मेम्ब्रेन्स होती है उसकी ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी सूजन होती है। अब इस बीमारी के अंदर आपको क्या होता है? आपको लो ग्रेड का फीवर होता है यानी कि बुखार हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द उठती है, बहुत ज्यादा दर्द उठने के बाद आपको जो सा स्टिफनेस भी हो सकती है और ज्वाइंट्स के दरमियान। अब ये सारा का सारा इस बीमारी के अंदर होता है। अगली चीज है हमारे पास गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है? गाउट एक ऐसी डिसीज है जो बेसिकली है तो जोड़ों की ही डिसीज, मतलब आपके जो जॉइंट्स हैं उन्हीं की डिसीज है। अब उनमें क्या होगा? आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो जैसे ही आपका ज्वाइंट मूव करेगा तो वो जो क्रिस्टल्स है वो कार्टिलेज के साथ रगर खा के एक दर्द की सिचुएशन पैदा करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो सिचुएशन होती है ये होती है गाउट की। अब ये ज्यादातर कहां पे अटैक करती है? ये अटैक करती है हमारी बॉडी के जो मेन जॉइंट्स हैं जिन्होंने ज्यादा काम करना होता है। लेट्स सपोज हमारे घुटनों के अंदर दर्द होना,
ये भी एक इसकी किस्म होती है। फिर ये ज्यादातर इफेक्ट करती है हमारे पाँव की उंगलियों पर या फिर हाथों की उंगलियों पर। अक्सर लोगों को हाथों के जो ज्वाइंट्स होते हैं, उंगलियों के ज्वाइंट्स, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाती है। वो क्यों दर्द होती है? वो क्रिस्टल की वजह से, ये एसिडिक एसिड जो है हमारे पास यूरिक एसिड, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर इसी तरह हमारा जो पाँव की उंगली है वहां पे हमारे पास यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो हमारे पास एड़ी होती है वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास बेसिकली जो सी डिसीज है, गाउट।